तो क्या चल सत श्रीकाल, मैं हूं न्यून मैन और आज हम बात करने वाले मुंबईकर निखिल एंड पापा ओकस के बारे में। तो भाई अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो आपको इस सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से पता होगा अभी तक क्या क्या हुआ। बट अगर आप मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखे थे तो भाई छोटा सा रिकैप दे देता हूं आप लोग को। तो बेसिकली हुआ क्या कि मुंबईकर निखिल कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिए पापा ओकस को, क्योंकि ओकस एक वीडियो बनाए थे इंडियन व्लॉगर्स के बारे में जिसमें वो बात किए थे मुंबईकर निखिल, यूआईसी व्लॉग्स, गौरव जोन एंड अदर व्लॉगर्स के बारे में। सो या बेसिकली यही हुआ। तो भाई स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग में से बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई उन्होंने ऐसा क्या वीडियो बनाया था मुंबईकर निखिल के बारे में जो कि देख के मुंबईकर निखिल ओकस को स्ट्राइक दे दिए। तो अब मैं वीडियो तो प्ले नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, रिस्क नहीं लेना चाहता मैं, इसलिए मैं उस वीडियो से ऑडियो उठा के आप लोगों को थोड़ा सा सुना देता हूं कि एग्जैक्टली क्या कहे थे ओकस। कुछ पॉइंट्स आप वीडियो से सुन सकते हैं। आई नो निखिल ने पर्सनली ये डिज़ाइन नहीं किया है, या तो शायद से उसने या उसके किसी पार्टनर ने ये डिज़ाइंस उठा ली, या तो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को ढूंढा जो हल्के से चेंजेस करके उनको ये डिज़ाइंस बेच दिया। जब मैं ये वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था आई केम अक्रॉस अ पोस्ट वेयर अ लॉट ऑफ पीपल वर कंप्लेनिंग कि वो ज़्यादा एड्स कर रहा है जबकि उसको ज़्यादा वीडियोज़ बनानी चाहिए। ही रिप्लाई टू इट बाई सेइंग दैट एट द एंड ऑफ द डे ये उसकी जॉब है एंड ही विल परस्यू दिस एज अ प्रोफेशन। एंड आगे बढ़ के वो ये भी मैंशन करता है कि हाउ मच ही हैज़ डन फॉर द कम्युनिटी एंड द आर्टिस्ट इन द कम्युनिटी by bringing in a lot of brands and credit where it's due shayad se usne kafi cheeze ki hain. Here is a conversation that I had with Kyla, the actual owner and the creator of the art that Nikhil and his clothing line ripped off. Yaad rakho, the actual tattoo artist owns the right to your art, so if you want to commission his or her art aap unko either royalties ke naam pe paisa de dete ho ya unse art ki copyright khareed lete ho. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है निखिल के कंटेंट से या उससे पर्सनली। हेल आई थिंक उसका कंटेंट एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग और काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोडक्शन है एंड उसका मर्च गेम भले ही टट्टी हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये उसका एक्चुअल पैशन प्रोजेक्ट होता जैसे कि वो बताता है। ही इज़ अ बिजनेसमैन एंड बिजनेस इज फुल मार्केटिंग टैक्टिक्स सच एज दिस। निखिल यू द फेस ऑफ इंडियन ब्लॉगिंग कम्युनिटी ये समझो। मुझे पता है कि तुम पर्सनली खुद ये सब देखते नहीं हो पर इन माय ओपिनियन तुम्हें देखना चाहिए। अगर किसी 18 साल के बच्चे को आपको बताना पड़ रहा है कि आप अपना काम ढंग से करो तो आप डेफिनेटली कोई गलत राह पे चल रहे हो। टेक अ स्टेप बैक इफ यू वांट टू डू राइट बाय दिस पे कायला द मनी शी डिजर्व्स गेट इन कॉन्टैक्ट विद हर हियर इज हर कॉन्टैक्ट इन्फो शोज द अमाउंट ऑफ मनी यू मेड बाय सेलिंग दैट स्पेसिफिक टी उतना अमाउंट कोई चैरिटी को दे दो जो आर्टिस्ट को हेल्प करती हो। आई थिंक आप इतना करने के केपेबल हो स्टॉप दिस बुलशिटरी एंड डू द बेस्ट यू कैन बिकॉज मुझे लगता है आप इससे कई 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 ज़्यादा अच्छे हो। आपको बहुत सारे यंग यूट्यूबर्स अपना इंस्पिरेशन मानते हैं अनजाने अनजाने में वो भी ऐसी ही गलती करेंगे। सेट एन एग्जाम्पल कि वॉट एक्चुअल गुड मर्च इज टू द बेस्ट बाय योर बिजनेस प्लीज। सो अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि ओकस क्या बोले थे अपने वीडियो में। अब देख लेते भाई आगे क्या हुआ। मुंबईकर निखिल रेस्पॉन्ड भी किए थे ओकस को। जी हाँ, ओकस अपने ट्विटर में एक ट्वीट किए थे, प्लीज टेक डाउन द फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक बैक दैट यू पुट ऑन माय चैनल। द वीडियो आई मेड ऑन यू वाज ट्रांसफॉर्मेटिव एंड फॉल्स अंडर फेयर यूज, प्लीज स्टॉप सेंसरिंग स्मॉल क्रिएटर्स। उसको रिस्पॉन्ड करते हुए मुंबईकर निखिल ये लिखे थे, योर स्टेटमेंट इन दिस ट्वीट इटसेल्फ इज फॉल्स, स्टॉप सेंसरिंग स्मॉल क्रिएटर्स, क्रिएटर्स इज प्लूरल, यू आर द फर्स्ट वन आई डिड दिस टू एंड आई स्टिल कैरी नो हेट, बट जस्ट टू मेक अ वीडियो वर्क पुटिंग अदर्स डाउन फॉल्सली इज रॉन्ग। तो इस ट्वीट में बेसिकली वो मान रहे हैं कि वो सेंसर कर रहे हैं स्मॉल क्रिएटर को एंड फिर एक स्टेटमेंट भी दिए वो, हे बडी आई ट्राइड गेटिंग इन टच विद यू थ्रू आर म्यूचुअल फ्रेंड बट आई गेस यू डोंट वॉन्ट टू गेट ऑन टू अ फोन कॉल एंड फिक्स दिस इशू लाइक एन अडल्ट, रादर यू डिसाइड टू मेक दिस अ पब्लिक इशू एंड गेन सम डीसेंट अटेंशन। तो अब सुन, देर आर मेनी रोस्ट वीडियोज, एक्सपोज्ड वीडियोज एंड अदर काइंड ऑफ वीडियोज विच आई हेटेड अबाउट मी, बट मी एंड माई टीम नेवर टुक एनी एक्शन, बट इन योर केस फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे यू आर ट्राइंग टू defame me and my company with a bunch of lies and mind manipulation which was not so cool. Freedom of speech kya sirf tum logo ke paas hai bro? Aur ye kya small creators ha? I have supported maximum creators in our YouTube community. You wanted attention, you have it now. I have nothing to prove. You want to talk? Let's get into a phone call like a matured adult. I still assume you are one. Thank you. Iske baad wo ek Instagram mein story bhi dale the. Unhone likha tha, khud jo ek criticism se darte hain, wo aajkal dusron ko defame karke aage badhna chahte hain. Wah bhai wah, kya zamana aa gaya hai. मेहनत से आगे बढ़ो, दूसरों का नाम यूज करके नहीं प्लीज। इसको रिस्पॉन्ड किए ओकस अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, उन्होंने लिखा, भाई किया ही नहीं आपने तो रिस्पॉन्ड, मुझे क्रिटिसाइज किया ही कहाँ आपने, आपने तो आदमी का जवान ही काट दी और फिर बोलते हो सिर्फ एक ही काटी है, एक भी नहीं कटनी रहती है भैया, आप इमोशन में क्यों बह रहे हो, मैंने कहाँ डिफेम किया झूठ बोल के बताओ तो। फिर ओकस कुछ इंस्टाग्राम स्टोरीज डाले तो आप खुद देख सकते हो उन्होंने क्या कहा उसमें। तो मैंने रात को सोने से पहले निखिल को ट्वीट किया था, निखिल को पूरा एक लंबा सा एक ऐसे था उसमें लिखा था कि मतलब क्यों मेरी वीडियो फेयर यूज़ है, ठीक है, पूरा लॉज वगैरह के बारे में बात की थी
उसके बाद मैंने एक वीडियो का क्लिप भी डाला था जहाँ पे मैंने बोला था कि निखिल जो है वो मतलब इससे काफ़ी अच्छा है वगैरह वगैरह, जो अच्छी अच्छी बातें की थी वो भी दिखाई। फिर मैंने स्टिल्स भी दिखाए जिनके ऊपर मैंने लाइक कितना टाइम तक मेहनत की कॉन्सेप्चुलाइज और फाइनलाइज करने में। फिर ऐसे कई सारी चीज़ें मैंने एक लंबा सा ट्विटर का थ्रेड बनाया है काफ़ी वैलिड पॉइंट्स के साथ, एंड उस पर निखिल ने रिप्लाई किया है एंड ही सेज कि आई हैव ओनली सेंसर्ड वन स्मॉल क्रिएटर एंड दैट्स यू, ठीक है, एंड दैट्स हाउ आई एम राइट, दिस इज हिज सेइंग एंड ही सेज कि मेरे साथ कॉल पे आ जा एंड इसको मैच्योर एडल्ट के साथ बात करते हैं। सो आई थिंक आई विल हैव टू गो टू द कॉल, अब कॉल पे बात करेंगे, पर मुझको लगता नहीं है कि वीडियो वापस आएगी क्योंकि ही लुक्स वेरी स्टबर्न एंड आई थिंक ही इज वेरी ऑफेंडेड, ही थिंक्स दैट आई होल्ड सम ग्रज अगेंस्ट हिम बट विच इज नॉट ट्रू, आई डो नॉट थिंक ही इज अ बैड पर्सन, आई थिंक ही इज जस्ट अ बिट ऑफ इगोइस्टिक बट दैट्स फाइन। UIC also reached out surprisingly and he supports, he said that it's okay and he'd like to watch the video, so big kudos to you Prasad, I respect you and you showed that you have integrity and you have my respect, you have a respect of a small creator, I don't know if that amounts to anything but thank you so much. सो या दिस इज बेसिकली इट, पूरा अपडेटेड वर्जन है ये ड्रामा का अभी तक क्या क्या हुआ इसमें, एंड और भाई कुछ ज्यादा खास न्यूज है नहीं तो इसलिए मैं सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ इस टॉपिक के बारे में, काफी लंबा टॉपिक था इसलिए मेरे को पूरी तरह से कवर करना था ये चीज, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा हूँ। सो ये आज के लिए बस इतना ही, कल मैं नॉर्मल वीडियो बना दूंगा, सो डोंट रियली वरी अबाउट दैट। आज का लाइक एम रखते हैं 30,500 लाइक, साइन अप लोग कंप्लीट कर दोगे तो फटाफट कंप्लीट कर देना यार, एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हो और सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो भाई जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई मैं ऐसे आप लोग के लिए रेगुलर अपडेट्स लाते रहता हूँ पूरे YouTube कम्युनिटी से कि भाई क्या चल रहा है इधर, एंड अगर आपको मेरे को कोई न्यूज भेजना हो तो भाई फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके अगर आप कोई पर्टिकुलर न्यूज मेरे को सबसे पहले भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना मेरे चैनल को, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।